हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करके आज का सेशन प्रिपेयर किया गया। बाकी जो बच्चे एलआईसी डब्ल्यू के एग्जाम भी दे रहे हैं, एसबीआई क्लर्क की भी दे रहे हैं, उन सब के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। इसमें अपने कुछ डाटा सफिशेंसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ रोंग नंबर सीरीज। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहले रोंग नंबर सीरीज है। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज वन नंबर इज रोंग, फाइंड आउट द रोंग नंबर। मतलब मिसिंग नंबर सीरीज हो या रोंग नंबर सीरीज हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि उस पर्टिकुलर सीरीज का क्या पैटर्न है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर मिसिंग नंबर सीरीज है तो उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, और रोंग नंबर सीरीज है तो आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर पैटर्न में कौन सा नंबर फिट। चलिए सेशन पहला क्वेश्चन देखें। 7 है, 23 है, 58 है, 127 है, 269 है, और आप देखेंगे तो 555। तो इसको जब आप देखोगे तो आप लगेगा कि करीब करीब जैसे आप फर्स्ट में कभी मत उलझा करो। पहला रिलेशन बहुत छोटा होता है, वो कई तरीके से आप बना लोगे, लेकिन इसको मैं देखूं कि डबल से थोड़ा ज्यादा, नेक्स्ट में भी डबल से ज्यादा, इसमें भी डबल से ज्यादा, और इसमें भी डबल से ज्यादा, तो क्या कोई डबल का फंडा है? तो मैं अगर यहां देखूं 127 को, तो 127 का डबल कितना हो गया? 12 का डबल 40, सॉरी 24, तो 240, और 14 254, और ये है 69, तो इंटू 2 प्लस 15। 58 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 116 और प्लस 11। 23 को करूंगा 23 दूनी 46 प्लस 12, और 7 को अगर मैं करूंगा 7 दूनी 14 और प्लस, तो 9 12 11 15, ये तो कोई बैठा नहीं। चलो आगे और एक लास्ट वाले को देखते हैं। इसको आप करोगे डबल तो आप 26 को डबल कर लो, 52, 520 और 18 जोड़ दो, 538 प्लस 17। अब यहां आप देखोगे तो क्या आ रहा है? ये 15 है, ये 17 है, ये 9 है, तो 15 17 कंजुगेटिव ऑड नंबर है, ये है 9। अगर यहां 11 और 13 हो जाए तो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हो। तो यहां मैं चेक करता हूं कि प्लस 11 अगर होता तो ये 57 होता, और ये 57 अगर होता तो 50 का डबल 100 और 7 का 14 और जुड़ गया 114, 114 और 13 127, और ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज। तो क्या है रोंग नंबर? 58 इज द रोंग। देखिए नेक्स्ट, 24, 25, 26, 28, 34, 58, 192। यहां आप छोड़ दो, बाकी आप देखोगे तो 25, 26, 28, 34, डेफिनेटली डिफरेंस की सीरीज। अब डिफरेंस में क्या निकल के आता है? क्योंकि जो इंक्रीज है वो बहुत ही स्मूथ है। यहां अगर डिफरेंस देखें तो एक है, यहां भी एक है, यहां दो है, यहां आपका 6 है, और ये कितना हो गया? 24 आई थिंक, 34 और 20 54 नजर, बिल्कुल। और ये आपका आ गया 58 और 192, 58 और 40, 98 36, 136 आई थिंक। तो अब आप देखें 1 1 2 6, अगर डिफरेंस और डिफरेंस भी देखेंगे तो एक और एक का 0 है, एक और दो का 1 है, ये 4 है, और ये 24 और 6 18 है, और ये हो गया 112। तो कोई इसमें बैठा नहीं डिफरेंस। आप अगर थोड़ा सा इसको देखें, ये क्लिक करे नहीं करे, फिर ये 1 है, ये फैक्टोरियल 0 मान सकते हो आप इसको। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की भी 1 होती है, और फैक्टोरियल 2 की 2 ही होती है, फैक्टोरियल 3 की 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की क्या होगी? 4 गुणा 3 गुणा 2, ये भी 6। फैक्टोरियल 5 की 120 होती है, 120 की जगह ये 136 आ रही है। अगर मैं इसको 120 करूं तो ये कितना जाएगा? 178, तो 192 इज द रॉन्ग नंबर। आप देखो एक अलग सा है फैक्टोरियल की वैल्यूज डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, 220, 229, 211, 247, फिर 157 एंड 3, मतलब 220 से बड़ा, फिर घटा, फिर बड़ा, फिर घटा। तो या तो इसमें डिफरेंस की पॉसिबिलिटी होगी या फिर इसमें अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव हो रही है क्या? 20 से 11,
नौ, और 11 से 157, ये तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। और यहां भी आपने देखें 247 से 200, नहीं डिफरेंस की तो ही नहीं, सॉरी अल्टरनेटिव सीरीज तो नहीं बन रही, तो आप डिफरेंस पे जाइए। 220 ये प्लस का 9 हुआ, और ये हो गया माइनस का 18, ये हो गया प्लस का 36। तो अब आपके कोई क्लिक करेगी ये चीज, जैसे 9 था, 9 का डबल 18 हो गया, 18 का डबल 36 हो गया, तो क्या आगे वाला बेहतर आ रहा है? तो अगर इसको मैं बेहतर 24 24 सात 21 24 सात 31 310 और 9 319, सॉरी माइनस करना, माइनस करना, तो 247 में से आप 72 घटाने के लिए 247 में से आप 100 घटा लीजिए, तो बच गए 247 में से 100 घटाए 147, और वापिस कितने जोड़ दीजिए 247 में से। अगर ये इनका डिफरेंस है माइनस 72 होता तो क्या करोगे, 247 में से 100 घटा लो तो हो गया 147, और 147 में वापिस 28 जोड़ दो तो 14, 160 और 15 175, तो ये हो जाता 157 की जगह 175। क्या ये 175 होता तो आगे वाला मैच हो रहा है, आप देखेंगे 25 और 19 44, 144 बिल्कुल हो रहा है, 72 का डबल 144, तो रॉन्ग नंबर क्या हुआ 157 इज द रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए 10 से 9 हुआ, 9 से 13, 13 से माइनस 4, वो ही घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन अल्टरनेटिव अगर मैं देखूं तो 10 और 13 तीन से बड़ा या सात से बड़ा, और यहां 11 से, क्या 3 7 11 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंजुगेटिव तो नहीं बन रही बात है। और यहां अगर मैं देखूं 9 और 9 4 13, 13 और 13 9 नहीं बन रही, तो अल्टरनेटिव को छोड़ो, आप डिफरेंस देखो 10 और 9 का कितना हुआ, माइनस का 1, 9 और 13 प्लस का 4, 13 और ये माइनस का 17 और ये प्लस का 16, 20 तो ये माइनस का 25 और ये आपका हो गया प्लस का, नहीं माइनस 31, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, प्लस का 36 और ये आपका कितना हो गया 49 माइनस का। तो आप इन डिजिट्स को देखते ही आपको क्लिक कर जाना चाहिए, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो ये 3 का, ये 2 का और ये 1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 1 का तो स्क्वायर हो रहा है और ये भी 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये माइनस था फिर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ ठीक है, तो 2 के स्क्वायर के बाद में अगर ये 3 का स्क्वायर होता, जैसे 3 का स्क्वायर मतलब 9, अगर 13 में से 9 घटाओगे तो ये प्लस का, माइनस का 4 की जगह ये सिर्फ 4 आ गया, और यहां फिर 20 में से 4 घटाओगे तो 16, यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपकी सीरीज पूरी कंप्लीट होगी, तो -4 इज द रॉन्ग। अब ये देखिए कुछ डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको क्या दिया होता है, इस क्वेश्चन बिलो इज द फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अगला सेशन जो लाएंगे अपने वो तीन स्टेटमेंट वाले एक दो सेशन आपको देंगे, क्योंकि मेंस में तीन स्टेटमेंट के ज्यादा पूछे जाते हैं। इच क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट इज सफिशियंट फॉर आंसर द क्वेश्चन, यू शुड यूज द डाटा एंड योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो इसमें आपको जैसे ऑप्शन ए क्या दे देंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेन क्वेश्चन में दी हुई होती है और कुछ आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है, फिर स्टेटमेंट फर्स्ट पे जब आप जाते हैं वहां कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन सेकेंड, जब आप फर्स्ट पे जाते हैं तो फर्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन प्लस मेन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्लब करके देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन सेकंड पे जाइए, जब सेकंड पे जाएं तो फर्स्ट को भूल जाइए और सेकंड प्लस मेन क्वेश्चन, अब फर्स्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सेकंड से भी हो गया तो फिर आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आप किस पे जाएंगे कि आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड इज सफिशियंट, दोनों में से कोई होगा वो सफिशियंट है। अगर फर्स्ट से हो गया सेकंड से नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट सेकंड इज नॉट, अगर फर्स्ट से नहीं हुआ सेकंड से हो गया तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट बट फर्स्ट इज नॉट, और अगर दोनों से नहीं हुआ तो फिर आप दोनों को क्लब करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड प्लस मेन क्वेश्चन, और फिर सॉल्व करेंगे,
अगर फिर हो गया तो कहां जाएंगे, बोथ आर रिक्वायर्ड, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो क्या हो गया, इवन बोथ आर नॉट सफिशियंट। तो आंसर पहला आ गया, फर्स्ट इज सफिशियंट बट सेकेंड नॉट सफिशियंट। दूसरा इसका उल्टा आ गया, सेकेंड इज सफिशियंट बट फर्स्ट नॉट सफिशियंट। सी इसमें आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड अलोन इज सफिशियंट। डी आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड रिक्वायर्ड। और ई आ जाएगा, इवन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नॉट सफिशियंट, फर्स्ट एंड सेकेंड टूगेदर नॉट सफिशियंट। तो ये पांच ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आपको जो बेस्ट है वो चूज करना। चलिए, इसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा या नहीं, वैल्यू नहीं निकालनी। पहला क्वेश्चन देखिए, मिक्सर एंड एलिगेशन से है, वेसल एम एंड एन कंटेंस 600 लीटर एंड 400 लीटर ऑफ मिक्सर। ये कोई एम है, ये 600 लीटर है इसमें, और ये कोई दूसरा एन है, इसमें 400 लीटर कोई मिक्सर है। ऑयल एंड वाटर का है, मतलब ऑयल और वाटर है इन दोनों में ही, ऑयल और वाटर। इट इज नन दैट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन वेसल एम इज 5 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एन। अगर यहां मैं ये मान लू एन में, मान लिया कि वाटर एक्स, तो ऑयल कितना हो गया, 400 माइनस एक्स, राइट। और क्या दिया है इसने कि ऑयल इन, इट इज नन दैट क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन वेसल एम इज 5 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल एन। वाटर वेसल एन में वाटर एक्स है, तो ये कितना हो गया इसमें, ऑयल से एम में ऑयल हो गया 5x, और वाटर कितना हो गया फिर, 600 माइनस 5x, राइट। ये आपको इसमें दिया है। अब और क्या दिया है, इफ 20% एंड 25% ऑफ द क्वांटिटीज फ्रॉम वेसल एम एंड एन रेस्पेक्टिवली आर पोर्ड इनटू अ ड्रम, देन व्हाट शुड बी द रेशियो क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। इसमें से मान लो एक कोई तीसरी चीज है उसमें, ये कोई ड्रम है, इस ड्रम में क्या ले लिया, 20% तो ले लिया, 20% ऑफ एम और 25% ऑफ एन, और आपसे पूछ लिया कि ऑयल और वाटर का रेशियो क्या है, राइट। तो ये 20 और 25 से आपके कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा, मतलब मेन चीज है कि अगर आपको एम और एन में ओरिजिनली भी वाटर और इसका रेशियो पता चल जाएगा, तो फिर आप इनमें से कितनी भी क्वांटिटी निकालें आप सोल्व कर लेंगे। तो एक तरह मतलब कुल मिला के आपको इन दोनों के रेशियो फाइंड करने। अब स्टेटमेंट फर्स्ट में देखिए क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल एम, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एम, वाटर कितना है, 600 माइनस 5x इज इक्वल टू ऑयल इन वेसल एन, ऑयल कितना है वेसल एन में, 400 माइनस एक्स। ये तो मेन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू आई थिंक 200 आ गई क्या, 600 में से 400 गया 200, और ये 50 आ गया, सॉरी 50, 600 में 400 गया 200, और 5x इस तरह प्लस का हो गया, 4x इज इक्वल टू 200x इज इक्वल टू 50 लीटर। अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट में जैसे ही x की क्वांटिटी आई, तो यहां आपकी ऑयल की क्वांटिटी आ गई, यहां ऑयल 250 आ गया और यहां 350 ये आ गया, तो आपको रेशियो मिल गया इसका। यहां भी वाटर जैसे ही आपने 50 रखा तो ये 350 आ गया, यहां भी रेशियो आ गया। और रेशियो आते ही आपको आगे क्वेश्चन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत कह दो कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट। सेकंड में चलिए, एवरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर इन वेसल एम इज 300 लीटर। एम की टोटल क्वांटिटी आपको मेन क्वेश्चन में जब 600 लीटर दे रखी है, और उसमें ऑयल एंड वाटर है, तो आपको पता है कि ऑयल और वाटर का एवरेज तो 300 ही होगा, भी दोनों मिलके ऑब्वियस है 600 है, तो एवरेज 300 है। तो स्टेटमेंट सेकंड में कुछ भी नहीं दिया, जो मेन क्वेश्चन में है वही चीज आपको वापस दे दी इसमें, तो स्टेटमेंट सेकंड से कुछ होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट बट सेकंड इज नॉट सफिशियंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पी एंड क्यू डिपोजिटेड ₹6 लाख एंड 8 लाख इन बैंक ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। पी और क्यू ने, पी ने कितना डिपॉजिट करवाया है 6 लाख और क्यू ने करवाया है 8 लाख डिपॉजिट करवाया है और टाइम दे दिया 2 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट इन बैंक ए एंड बी। पी ने इसका ए बैंक में करवाया है इसने और क्यू ने बी बैंक में करवाया। व्हाट वुड हैव बीन द सम ऑफ देयर एक्युमुलेटेड अमाउंट्स इफ बोथ ऑफ देम हैड डिपॉजिटेड देयर शेयर एट हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इनका डिपॉजिट 2 साल बाद इनका पैसा कितना हो जाता अगर ये जितने पे इन्होंने करवाया उससे ये आधी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करवाता। तो कुल मिला के आपको क्या चाहिए कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए कि पी बैंक की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्यू की क्या है। उसके बाद तो आप जो मर्जी इससे निकाल लो आपका क्या होता है इसमें प्रिंसिपल गुणा टाइम और गुणा आर। तो आपको टाइम आपको दे दिया प्रिंसिपल भी आपको दे दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो आपको सम कितनी अश्योर्ड होगी वो निकल जाएगी। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको क्या दिया है एवरेज ऑफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द टू बैंक्स वाज 7%। मान लो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं R1 मान लेता हूं इसकी मान लेता हूं R2। तो आपको दे दिया कि R1 प्लस R2 बटे 2 इज इक्वल टू 7% लेन का एवरेज दे दिया या एक तरह से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14% ये दे दिया आपको एक इक्वेशन। बट R1 और R2 के बीच में कोई रेशियो नहीं कुछ नहीं तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते और दोनों की जब तक वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट गो फॉर सेकंड। सेकंड में क्या दिया है द रेशियो ऑफ एक्युमुलेटेड अमाउंट ऑफ पी एंड क्यू एट द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 177:20 रेस्पेक्टिवली। क्या दिया है द रेशियो एक्युमुलेटेड अमाउंट कितनी हो जाएगी पी है मान लो ये कितनी बन जाएगी 2 साल में तो पी बन जाएगी प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल गुणा टाइम हो गया आपका 2 साल का और गुणा आर मान लो आपका R1 था तो R1 बटा 100 ये बन गई और ये दूसरी क्या बन जाएगी 8 प्लस 8 इंटू 2 इंटू R2 बटे 100 और ये रेशियो आपको दे दिया 177/220। अब आप इसमें देखें कि R1 और R2 दो वेरिएबल है एक इक्वेशन है तो सेकंड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर थर्ड क्या करेंगे दोनों को क्लब करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखो R1 और R2 के रेफरेंस में एक R1 प्लस R2 14% है और यहां भी R1 R2 के लिए मतलब दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से तो आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है कि बोथ आर सफिशियंट। अगर आप दोनों स्टेटमेंट मिला दोगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट टू आंसर या रिक्वायर्ड टू आंसर क्योंकि इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। आपने देख लिया कि R1 R2 के रेफरेंस R1 और R2 दो वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन अलग अलग एक इक्वेशन दो बार नहीं है अलग अलग है एक दोनों का सम है और एक यहां आपका रेशियो आ रहा है तो एक की वैल्यू दूसरे में पुट करोगे वैल्यू निकल जाएगी तो दोनों रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए क्या है पाइप ए बी सी आर कनेक्टेड टू ए टैंक। ये कोई एक मान लो ये एक टैंक है ए बी सी तीन पाइप पाइप ए एंड बी आर इनलेट पाइप ये ए हो गया आपका ये भी इनलेट है और ये पाइप बी इससे जुड़ा हुआ है ये भी इनलेट है और ये पाइप सी और है जो आउटलेट है ये पोजिशन है इस टैंक। इन हाउ मेनी आवर्स द एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टू। अब अगर तीनों को खोल दिया जाए तो ये टैंक कितने टाइम में फिल होगा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए एक तो चाहिए टोटल वर्क कितना है और दूसरा इनकी ए बी और सी की इफिशियंसी। ये चार चीजें आपको चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या चाहिए। अब चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है पाइप बी एंड सी इज कनेक्टेड बी प्लस सी अगर कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो ये 10 घंटे में पाइप इसको फिल कर देते हैं और पाइप सी अलोन कैन फिल 40 आवर्स।
राइट, बी प्लस सी इतने में और सी इतने में बढ़ता है, तो क्या इससे निकल जाएगा? आपको क्या क्या इफिशियंसी यहां से बी और सी की अगर आपने निकाल भी ली, तो ए का तो यहां जिक्र भी नहीं है, ए का जिक्र नहीं है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशियंट। आप सेकंड के लिए आइए, सेकंड में क्या दिया है, पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, बी का दे दिया आपको 8 आवर्स में, पाइप ए एंड सी टूगेदर, ए और सी दोनों मिलके टूगेदर कैन फिल द टैंक इन 40। अब इसमें आप देखोगे कि ए बी सी तीनों का जिक्र हो गया तो यहां निकल जाएगा, ए प्लस सी है ये, एक तरह से ए माइनस सी मान सकते हो क्योंकि आउटलेट पाइप है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो अगर मैं इसका ये लूं, क्या कहते हैं, मान लो टोटल वर्क एलसीएम मैंने 320 ले लिया, एक बार में 320 लिया तो ये तो कर रहा है 40 यूनिट, और ये कितना कर रहा है, बट्टा 40, आई थिंक 24 हो गए, 320 बट्टा 40 और गुणा 3, 8 3 24, ये कर रहे हैं 24, ए माइनस सी 24 कर रहे हैं। तो अगर इनमें इनको तीनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, यही तो होना है, ये हो गया 64 यूनिट, और टोटल यूनिट आपके पास है 320, तो 320 बटा 64, 5 घंटे आ गए, आपका टाइम निकल गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज, हालांकि इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको दिखा कि बी की और ए और सी कितने टाइम में भर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास बी की इफिशियंसी भी है, ए और सी की भी है, और टोटल वर्क भी है। तो यहां जैसे ही मैंने ये लिखा, लिखते ही कि सेकेंड इज अलोन इज सफिशियंट बट फर्स्ट इज नॉट सफिशियंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट बी इन स्टिल वाटर इज 2:3 रेस्पेक्टिवली। बोट ए की अगर एक्स लू में स्टिल वाटर में, तो एक्स ए जो है वो दे दिया आपको 2 के, और एक्स बी के लिए दे दिया 3 के, ये दिया आपको रेशियो दिया सिर्फ। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर, और वाई दोनों में ही 10 किलोमीटर पर आवर दे दिया। What would be the difference between the time taken by a boat A to cover 360 km upstream and by boat B to cover? तो time difference in time, तो delta T क्या आएगा आपको पता है, distance upon speed, तो 360 upstream में जो भी इसकी A की है, तो ये क्या आ जाएगा, x A minus 10, और minus से दूसरा है 140 downstream में, तो downstream में ये जुड़ जाएगा, तो एक्स बी प्लस 10, ये आपसे फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसके लिए आपको, आपके पास से क्या चाहिए, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, अब क्या दिया है, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 100, सम ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर। तो जब आपके पास एक्स ए प्लस एक्स बी आ गया 100, और एक्स ए और एक्स बी का रेशियो भी आ गया, तो यहां से दोनों फाइंड होगी, एक्स ए बी फाइंड होगी और एक्स बी भी फाइंड होगी, रेशियो है 3k + 2k + 5k की वैल्यू 100 होगी, तो एक के की वैल्यू 20 होगी, तो एक तो हो गया 40, एक 60, आप पुट करें निकाल लें, तो फर्स्ट तो सफिशियंट। सेकेंड में देखें तो स्टेटमेंट सेकेंड में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर स्ट्रीम स्पीड, सेकेंड में क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोटे, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी बोटे की, 2k, अपस्ट्रीम वाली 2k - 10, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी, बी की क्या होगी 3k + 10, और ये दे दिया 40 किलोमीटर। तो यहां से भी आपकी k की वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू स्टेटमेंट सेकेंड में आपकी क्या निकली, द डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड, और मेन क्वेश्चन में आपको ये चीजें दी हुई थी, जैसे के की वैल्यू, तो सेकेंड इज आल्सो सफिशिएंट। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर अलोन सफिशिएंट, मतलब पहला अकेला भी सोल्व कर देगा और दूसरा अकेला भी सोल्व कर देगा। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आज का जो सेशन है किसी एक अपने ही एस्पिरेंट की डिमांड थी डाटा सफिशिएंसी, उन्हीं के डिमांड पे आज का सेशन है। आप लोगों को भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई सेशन चाहिए प्लीज हमें लिखिए, वो भी देंगे, लेकिन अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सब्सक्राइब प्लीज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।
हैव अ नाइस डे।